हेलो टू एवरी वन आई वेलकम यू ऑल ऑन अबीपीडी डिफेंस यूट्यूब चैनल एंड आज मेरे पास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स राइट सो ये अनाउंसमेंट है जो आपकी प्रिपरेशन को फॉर द नेक्स्ट सिक्सटी डेज फॉर द सी ए पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट उसको और स्ट्रेंदन करेगी और ऑब्वियसली आप मोटिवेट भी uh, होंगे बिकॉज ऑफ दीज वीडियोज़ जो आगे आने वाली वीडियोज़ होंगी और साथ ही साथ uh, आपको जो है ऑब्वियसली uh, आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो भी वीडियोस हम लोग लाने वाले हैं उनसे आपका बेनिफिट होगा दैट यू विल बी एबल टू क्वालिफाई योर एग्जाम ऑफ सी ए पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट एज वेल एज आगे पॉसिबली आपका सिलेक्शन भी होगा राइट right? तो द पॉइंट इज दैट हमारे साथ जो है अभी पी डिफेंस चैनल के साथ बहुत सारे टॉपर्स हैं जो लेटेस्ट जो टॉपर्स हम लोग ने uh, बात कर रहे हैं जो फाइनल रिजल्ट निकला था सी ए पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट ट्वेंटी ट्वेंटी तो उसमें से काफी टॉपर्स थे जो हमारे साथ एसोसिएटेड थे एसोसिएटेड इसीलिए बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन पूरी इंटायर प्रोसेस के अंदर हमने कहीं ना कहीं उनकी हेल्प की थी और इन रिटर्न जब टॉपर बन जाते हैं और ये जो टॉपर्स होते हैं ये बहुत हम्बल होते हैं दे एक्सेप्ट द फैक्ट दैट किसी ने हमारी हेल्प की है तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं एक uh, एक अपना जो एक्सपीरियंस है उस इंसान के साथ शेयर करें जिसने हमारी हेल्प की है या एक एक हम्बल पर्सनालिटी होते हैं ये सब के सब टॉपर्स एक्सेप्शन से एक आधे होते ही हैं लेकिन मेजरली ये ऐसे टॉपर्स होते हैं जो हम्बल होते हैं बिकॉज जो स्ट्रगल होता है वो कुछ और लेवल का होता है टू बिकम द असिस्टेंट कमांडेंट राइट तो ये जो टॉपर्स है इन्हीं टॉपर्स में से कुछ टॉपर्स हमारे साथ सामने आए हैं दे हैव कम फॉरवर्ड एंड दे दे डिसाइडेड कि सर हम लोग ना आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हैं टू शेयर आर स्ट्रैटेजीज फॉर नेक्स्ट सिक्सटी डेज कि साठ दिन जो अगले आने वाले हैं उसमें क्या करना चाहिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए uh, हमने कैसे पढ़ी थी किताब uh, हमने कोचिंग ली थी कि नहीं ली थी या हमने कोई टेस्ट सीरीज दी थी तो ऐसे पता नहीं कितने सवाल हैं जो ये टॉपर्स ख़ुद आपको डायरेक्टली आंसर देंगे अपनी वीडियोज़ के थ्रू राइट इसमें uh, एक टॉपर जो हैं जैसे सुजीत भासमे हैं ए आई आर सिक्सटी नाइन इट्स अ वेरी डिसेंट रैंक और इनको जो है आई टीबीपी जो है मिली है तो इन्होंने एक रीसेंट वीडियो भी बनाई है कल की ही वीडियो है जिसमें अच्छा स्टूडेंट्स का रिस्पांस भी देखने को मिला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर पेपर टू राइट तो ऐसे ऐसे रेलिवेंट कंटेंट जो है आपको अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे राइट right? सो so, इससे बढ़िया एक्सपीरियंस फर्स्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको कहाँ से मिलेगा यू नो सो वी आर प्रोवाइडिंग देम एज ए प्लेटफॉर्म कि चलो आप अपनी बात जो है आप अपनी स्ट्रैटेजी वट यू वॉन्ट टू आप सामने रख सकते हो अंडरस्टूड सो so, जैसे सुजीत हैं जैसे ए आई आर रैंक जो ए आई आर थर्टी है हंड्रेड एंड टेन है तो ऐसे ऐसे मल्टीपल टॉपर्स हैं जो आए हैं हमने उनसे बात भी की तो देर ऑल रेडी कि चलो हम कुछ नया लेकर आते हैं स्टूडेंट्स के लिए नाउ फर्स्ट अनाउंसमेंट ये है फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे यूट्यूब पे तो रिलीजियसली फॉलो करो देखो एनालाइज करो एंड देन इंप्लीमेंट दम राइट फर्स्ट अनाउंसमेंट सेकेंड अनाउंसमेंट आपके लिए ये है दिस इज द वीडियो जो मुनीष मैम ने बनाई है बहुत ही एक्सपर्ट टीचर है हमारी कॉन्ट और रीजनिंग की राइट right? तो आपकी जो रीसेंट वीडियो है इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने कंप्लीट एनालिसिस किया है मैथ्स का और रीजनिंग का यू ऑल नो कि मैथ्स एंड रीजनिंग 25 फाइव क्वेश्चन आते हैं समटाइम्स दो तीन साल के ट्रेंड में थोड़े कम आ रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं और सबसे ज्यादा क्लियर होते हैं कि ये आंसर सही है तो सही है मतलब बाकी जनरल स्टडीज में क्या है यूपीएससी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है दो चार एक दो ऑप्शन के बीच में लेकिन मैथ्स और रीजनिंग तो ये है कि इफ़ यू नो इट यू आप क्लिक कर दीजिए टिक कर दीजिए इफ़ यू डोंट नो इट तो आपने वेस्ट नहीं करना है तो मैथ्स एंड रीजनिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है सब्जेक्ट्स और इसी को ही फिनिश करवाने के लिए इसी को ही कंप्लीट करवाने के लिए मैडम क्या करने वाली है हफ्ते में एक या दो क्लासेस आपको देंगी फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और साथ ही साथ उससे रिलेटेबल क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि नंबर सिस्टम है नंबर सिस्टम आप पिछले छः आठ साल के पेपर्स को एनालिसिस करोगे यू विल फाइंड एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन फ्रॉम एवरी ईयर इन नंबर सिस्टम है ना तो नंबर सिस्टम में आपको जो है एक एक आधा सवाल जो है बिल्कुल मिलेगा अपने पेपर के अंदर राइट तो यही जो नंबर सिस्टम है ये दो पार्ट में तीन पार्ट में लेकर आएंगी जिसमें क्या होगा जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो ये मैडम जो है आपके सामने लेकर आएंगी तो ये दूसरी अनाउंसमेंट है विच विल बी देयर ऑन यू ओनली अंडरस्टैंड तो वो आपके एक्सेस के एक्सेस uh, कर सकते हैं इट विल बी गुड फॉर यू नाउ द थर्ड अनाउंसमेंट फॉर यू इज की एक हमारे साथ स्टूडेंट रहे हैं जिनका नाम है आ, भानु प्रताप सिंह राइट सो so, बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट रहे हैं वो और उनके साथ बेसिकली हमने क्या किया था इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर वो इनरोल थे एंड वी हेल्प देम उन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्रूव भी किया लेकिन जब कहते हैं कि किस्मत नहीं है तो इंसान एक नंबर से भी रहता है आधे नंबर से भी रहता है और कई बार बराबरी का भी नंबर हो तब भी सीनियॉरिटी की एज ज़्यादा है उस लड़के की तो उसको पहले चांस मिल जाएगा द सेम थिंग हैपन्ड विद द भानु प्रताप सिंह इन द रिसेंट सी ए पी ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जाम राइट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइनल रिजल्ट के अंदर जहाँ पर वो इंटरव्यू दिया बट वो फाइनल रिजल्ट में नहीं आ पाए अब ही इज़ गोइंग टू अपेयर अगेन फॉर द सेम एग्जाम सेम इंटरव्यू है ना सेम एग्ज़ाम uh, उन्होंने क्लियर कर लिया फिजिकल मेडिकल ऑल क्लियर नाउ ही इज़ गोइंग टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू सो एक तो ऑप्शन उनके पास ये है इनफैक्ट uh, जब मेरी बात हुई एंड ही वाज लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर वन मंथ उनसे मेरी बात हुई तो ही सेड कि सर अभी मेरा ना एस बी का भी इंटरव्यू है अभी मेरा बैंक ऑफ इंडिया का भी सॉरी आईबीपीएस बी का भी इंटरव्यू है अभी मेरा आईबीपीएस uh, बी क्लर्क का भी इंटरव्यू है और मेरा एक एग्ज़ाम ये भी है और ये भी है आई वॉज सो एक्साइटेड कि यार ये लड़का जो है इतना अपना झील जो है इतना इतना मोटिवेशन मेंटेन कैसे कर रहा है इतना और देखो कितना डिफरेंसेस असिस्टेंट कमांडेंट यू पी एस सी एंड पी ओ एग्जाम क्लियर करना देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बट ये लड़का कर पा रहा है है ना इंटरव्यू में बैठ रहा है सीधा है ना आफ्टर क्लियरिंग द रिटर्न इंटरव्यू में जा रहा है तो अभी रिसेंटली इनसे मेरी बात हुई और ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू फॉर सी ए पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट ट्वेंटी ट्वेंटी वन बट आज इनके पास जो है ही इज़ हैविंग टू जॉब्स दो जॉब्स हैं एक आ, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जॉब है और सेकेंड इज एक बैंक ऑफ बड़ौदा में ये क्लरिकल जॉब के अंदर इनके पास ऑप्शन है राइट तो दो जॉब इनके पास ऑलरेडी है ही इज़ हैविंग अनदर ऑपर्चुनिटी ऑफ अपेयरिंग फॉर दी सी ए पी एफ ए सी इंटरव्यू ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो आई ए गॉट वेरी एक्साइटेड कि यार भानु तुझे बताना पड़ेगा कि क्या चल क्या रहा था कैसे तूने एक यू पी एस सी लेवल के एग्जाम को भी क्वालिफाई किया और एस बी ए पी ओ का भी एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू जा रहा है तो ये दोनों एग्जाम बहुत अलग हैं है, है ना हम लोग भी कभी प्रेफर नहीं करता हूँ मैं कि ये दोनों एग्जाम की तैयारी करो बट इस लड़के ने किया और अपने आप को सिक्योर किया तो यही जो गुरु मंत्र यही जो मंत्रा है जो इस भाई भानु के पास था ये शेयर करेंगे ये ही इज ऑलरेडी टू शेयर दैट मंत्रा और वॉट इट इज ऑब्वियसली हार्डवर्क इसका फंडामेंटल होगा तो ये शेयर करेंगे हमारे साथ विद भानु भानु प्रताप सिंह जो है वो शेयर करने वाले हैं एक जूम सेशन के थ्रू तो वो थर्ड अनाउंसमेंट है और चौथी अनाउंसमेंट जो आपके लिए है कि आप बिल्कुल भी बेफिक्र आप बेफिक्र रहिए अपने पेपर टू के लिए बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड दी सिक्सटी डेज इंटेंसिव फास्ट ट्रैक कोर्स फॉर पेपर टू जिसमें हम लोग क्या है आपको कंटेंट बिल्डिंग भी कर रहे हैं आपका कंटेंट भी बनवा रहे हैं और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू टेस्ट भी देने पड़ेंगे ठीक है सो so, दोनों जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली चलेगा यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ साठ दिन है इसीलिए मैं यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को दैट यू हैव टू स्टडी एट लीस्ट थ्री आवर्स एवरी डे फॉर योर पेपर टू इन ऑर्डर टू सी कि देर इज एन इम्प्रूवमेंट एंड दूसरी बात यू विल डेफिनेटली गोइंग टू 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 मेक इट गुड इन योर पेपर टू If you give three hours every day to this paper to इफ यू आर एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर कोर्स राइट सो कोर्स की फीस बड़ी नॉमिनल है कोई प्रॉब्लम रहेगा डायरेक्टली कॉल कीजिए वी वुड लव टू हेल्प यू आउट एंड दिस वॉज आर फोर्थ अनाउंसमेंट अंडरस्टूड सो ये चार अनाउंसमेंट मैंने आपके कर ली कर दी है तीन आपके बेनिफिट के लिए डायरेक्टली बेनिफिट होगा आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं चौथी जो है वो ऑब्वियसली बहुत सारा हमारा रिसोर्स लगा हुआ है तो चौथी जो है दैट इज ऑफ पेड एनरोलमेंट तो आप उसको भी देख सकते हैं एंड रेस्ट वील बी ब्रिंगिंग ऑलवेज अ गुड कंट्री वी ट्राई आर लेवल बेस्ट एंड दिस इज इट होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम कोई डाउट कोई प्रॉब्लम रहेगा कॉमेंट कर दीजिए कॉमेंट सेक्शन में एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो राइट थैंक यू एंड जय हेन्द